दोस्तों एक बार फिर आया थोड़े वास्ते बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लैके तो एजड वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है सो ध्यान देखना है जे तुसी किसान परिवार नाल संबंध रखते हो इतने दोस्तों 8000 रुपया थोड़े खाते में ट्रांसफर करा जा रहा है तो ये पैसा जोड़ा दोस्तों ये दे रही है सेंटर गौरमेंट यह पैसा जोड़ा दोस्तों 2000 रुपये की किस्तों में थोड़े खाते में आ रहा है सो हाले तक दोस्तों तुसी जे पीएम किसान योजना ज्वाइन नहीं करा तो यह वीडियो तुसी ध्यान देखियो तो 2 मिनट लगते दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते थोड़े खाते में सेंटर गौरमेंट जी है वो 8000 रुपया ट्रांसफर कर देती है तो चलो फिर दोस्तों कंप्लीट जानकारी थोड़ा प्रोवाइड करवा दें कि किदा तुम्हें यह फॉर्म जोड़ा है अपलाई करना है चैनल के उत्ते दोस्तों अगर तुम पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसक्राइब करने तो बाद बैल आइकन ऑल से प्रेस करके छड़ दो तुम्हें समय सिर पंजाब गौरमेंट के अपडेट मिलते रहेंगे। तो पीएम किसान फॉर्म अप्लाई करने के वास्ते सब तो पहले तुसी अपने ब्राउजर दे विच टाइप करना है जी पीएम किसान ए टाइप करके दोस्तों तुसी सर्च कर देना है कुछ एहो जा पेज थोड़े सामने ओपन होएगा तो सब तो पहले नंबर के उत्ते दोस्तों तुहानू ऑफिशियल साइट जी है पीएम किसान की मिल जाएगी तो इस दे उत्ते क्लिक करके तुसी पीएम किसान की ऑफिशियल साइट के उत्ते आ सकते हो ठीक है तो इतने आके दोस्तों तुसी फॉर्म भर सकते हो फॉर्म भरना तुहानू सिखावांगे बट उस तो पहले दोस्तों कुछ जरूरी गल है जी तुसी आराम नाल सुन लो थोड़े दोस्तों सवाल रहिंदे कि फॉर्म जिहड़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो दोस्तों जे थोड़े को 5 एकड़ तो घट जमीन है तो तुम ये फॉर्म भर सकते हो 5 किले तो घट सारे जे जमींदार है फॉर्म भर सकते हैं तो नाले दोस्तों कई भी सवाल रहेंगे कि साढ़े ना जी है जमीन नहीं लगी हुई साढ़े घर के जो बजुर्ग है उन्होंने ना है तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं जे तुम घर के अड हो थोड़े ना जमीन नहीं है तो भी तुम ईजीली फॉर्म जोड़ा भर सकते हो बस थोड़ी जमीन के जोड़े नंबर होंगे है वो इतने लाने होंगे ठीक है तो हूँ दोस्तों फॉर्म भरने की प्रोसैस जी है वो आराम सुनो ये जोड़ा पेज दोस्तों ओपन होया थोड़ा जहाँ इन जूम कर लेंदे तो इतने दोस्तों थोड़ा एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर कोर्नर का ठीक है तुम दोस्तों इस ऑप्शन के उत्ते क्लिक करना है तो इतने दोस्तों फिर थोड़ा एक होर ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन तो पहले ऑप्शन के उत्ते दोस्तों क्लिक कर देना है तो यहोजा दोस्तों पेज थोड़े सामने ओपन होएगा तो हूँ दोस्तों इतने तुम अपना आधार कार्ड नंबर जोड़ा वो ला देना है बड़े ध्यान दोस्तों इतने आधार कार्ड नंबर फिल करना है उस तो बाद दोस्तों इतने तुम कैप्चर कोड लिख देना है ये दोस्तों इतने लिखा हुआ तुम्हें भी इस तरह का कोड इस बॉक्स के फिल करके इतने कंटिन्यू के उत्ते कर देना है जी क्लिक तो चलो दोस्तों इतने आधार कार्ड जोड़ा है वो नंबर फिल करके नैक्सट प्रोसैस जी स्टार्ट करते हैं तो इतने दोस्तों कैप्चर कोड जोड़ा है गलत बता रहे कई बार दोस्तों साइट बिजी होने करके ये प्रॉब्लम जी है अक्सर देखने मिलती है तो तुम दोस्तों थोड़े टाइम ठहर के फिर तो ट्राई करना है तो चलो फिर आप थोड़ा टाइम दोस्तों वेट करते हैं साइट चलने तो बाद दोस्तों योजा इंटरफेस थोड़े सामने आएगा तो तुम यस से क्लिक कर देना है तो दोस्तों इतने जोड़ा है योजा फॉर्म थोड़ा देखने मिलेगा तो इस फॉर्म के दोस्तों तुम्हें सिंपल जी जानकारी फिल कर देनी है सब तो पहला अपना स्टेट चूज़ कर लेना है डिस्ट्रिक्ट सब तहसील ब्लॉक विलेज ठीक है जो तुम विलेज के रहते हो तो अपना विलेज जोड़ा वो भी चूज़ कर लेना है इस तो अगे दोस्तों तुम इतने फार्मर का नाम लिखना है जेंडर सिलेक्ट कर लेना है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है तो ईजी जानकारी दोस्तों तुम फिल कर लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने सुन लो दोस्तों थोड़ा जि ध्यान फार्मर टाइप ठीक है इतने दोस्तों जे थोड़े को 2 किले तो घट जमीन तो तुसी पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जे ज्यादा जमीन है तो तुसी अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है उस तो बाद दोस्तों इतने आती है थोड़ी बैंक डिटेल की गल तो इतने दोस्तों तुसी अपने बैंक का IFSC कोड लिखना है इतने दोस्तों तुसी अपने बैंक का नाम चूज़ कर लेना है तो इतने लिखना है भाई बैंक अकाउंट नंबर ये बड़े ही ध्यान फिल करना दोस्तों मैं कई कैंडिडेटों के मैसेज मिल रहे हैं कि असी जोड़ा बैंक अकाउंट गलत फिल करता तो पैसे किसी होर के खाते में ट्रांसफर हो गए तो दोस्तों तुसी बहुत ही ध्यान अपना बैंक अकाउंट जोड़ा फिलअप करना है उस तो बाद दोस्तों इतने तुम लिख देना एड्रेस तो इतों दोस्तों तुम आधार जी है उसको वेरीफाई कर लेना है ठीक है यानी कि पूरी डिटेल जी है वो चेक हो जाएगी आधार नाल उस तो बाद दोस्तों इतने तुम अपना नाम जोड़ा है वो लिख देना है DOB लिख देना है थोड़े फादर का नाम लिख देना है जब तुम अपने मदर का नाम लिख सकते हो जो कोई कुड़ी है तो वह अपने हसबेंड का नाम इतने लिख सकती है ठीक है इस गल करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट गल है ध्यान सुन लो तुम इतने अपनी जी जमीन है उसकी डिटेल भी ऐड करनी होंगी है तो उन्होंने ऐड करने वास्ते दोस्तों तुम इतने ऐड के बॉक्स के उत्ते क्लिक करोगे तो इतने दोस्तों थोड़ी जमीन का जोड़ा खसरा नंबर होंगे लिस्ट वाला नंबर जोड़ा होंगे वो लिखना होंगे तो जे दोस्तों थोड़ा नहीं पता तो ईजली पंजाब गौरमेंट की जी साइट है
ठीक है लैंड रिकॉर्ड उस पर जाके डिटेल चैक कर सकते हो। तो चलो फटाफट एक बार थोड़ा चैक करवा देंगे। दोस्तों तुम अपनी जमीन का खसरा नंबर देखने वास्ते की करना है, सब तो पहले अपने ब्राउजर के टाइप करना है पंजाब लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो यह दोस्तों तुम्हें ऑफिशियल साइट मिल जाएगी जमाबंदी वाली, तुम इस साइट के उत्ते क्लिक करना है। तो क्लिक करने तो बाद दोस्तों कुछ यहो जहा पेज थोड़े सामने होएगा, ठीक है। तुम इतों दोस्तों लैंगुएज अपनी चूज कर सकते हो, जिमें कि आप इतने पंजाबी सिलेक्ट कर लेंगे। तो लैंगुएज दोस्तों चूज करने तो बाद इतने आकर अपना जिला चूज करना है, फिर तो सील चूज कर लेनी है, फिर दोस्तों तुम इतों पिंड चूज कर लेना, इतों तुम कर लेना साल चूज। तो चलो फटाफट दोस्तों अपना जिला जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिमें दोस्तों इतने अपना जिला जो है वो है जी फाजिलका, तो इतों लभ लेंदे भाई फाजिलका। आ फाजिलका दोस्तों सिलेक्ट कर लिया, उस तो बाद तहसील की गल करी दोस्तों अबोर सिलेक्ट कर लिया। हूँ इतों दोस्तों पिंड सिलेक्ट करना है तो अबोर वन पिंड सिलेक्ट कर लिया। इतने आकर दोस्तों साल चूज करना होंगे, ठीक है। तो जी लास्ट जमाबंदी दोस्तों 2015-16 चल रही है, तो इन्नी चीज़ा दोस्तों सिलेक्ट करने तो बाद इतने खेत्र बदलो के उत्ते कर देना है क्लिक। तो क्लिक करने तो बाद दोस्तों जो तुम जमाबंदी चैक करना चाहते हो तो तुम इतों जमाबंदी चैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप जमाबंदी दोस्तों चैक करनी है, इस देते क्लिक करा। क्लिक करने तो बाद दोस्तों थोड़े सामने चार ऑप्शन आ जाते हैं, तुम किसी भी तरीके जमाबंदी चैक कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ऑप्शन मिलता है मालक के नाम मुताबिक, यानी कि जो जमींदार के नाम जमीन है उसका नाम लिख के अपना जमीन सर्च कर सकते हैं कि उसका की नंबर है। जो दोस्तों खेवट नंबर है तो तुम उसके राही सर्च कर सकते हो, खसरा नंबर राही कर सकते हो, ठीक है। तो खतौनी नंबर, जो खतौनी नंबर थोड़े को है फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, उही तो उत्थे चाहिए है। जे नहीं है दोस्तों तो जमींदार के नाम मुताबिक इतने क्लिक करके तो हूँ इतने जमींदार का नाम लिख देना है, जिम्मे कि थोड़ा नाम लिख देना है, जो थोड़े प्यो का जा दादे का नाम लिख के इतने सर्च कर लेना कि उन्होंने हिस्से किन्नी जमीन है तो उसका खसरा नंबर की है, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों तुसी जमीन का जो खसरा नंबर है वह ले सकते हो। तो बाद दोस्तों इतने जोड़ा टिक बॉक्स निका जहा बनया हुआ है वनू फील करके तुम इतने सेव के उत्ते क्लिक कर देने, तो फॉर्म जोड़ा दोस्तों थोड़ा सबमिट हो जाएगा। पहले दोस्तों साइट काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रही थी, सो मैं उसका जोड़ा है ये फोटो खिंच के रख ली ताकि थोड़ा ईजीली समझा सकी। तो इस तरीके दोस्तों तुम अपना फॉर्म जोड़ा भर सकते हो। जो थोड़ा कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों तुम कमेंट करके पूछ लियो, तो अकाउंट नंबर दोस्तों बहुत ही ध्यान फिलअप करना है। तो इसी कंप्लीट डिटेल जो थोड़ा वीडियो वधिया लगी इनफॉर्मेशन लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दो। आप मिलेंगे दोस्तों नैक्सट वीडियो में, उदों तक के लिए रब रखा।